रोहिणी शूट आउट के मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच गुरुवार को मंडोली जेल में बंद टिलू दासपुरिया की प्रोटेक्शन रिमांड की मांग करेगी। रोहिणी शूट आउट के बाद गिरफ्तार हुए अन्य दो आरोपी उमंग और विनय यादव ने जिस तरह इस पूरी साजिशकर्ता का खुलासा किया है, उसमें साफ है कि गोगी हत्याकांड की पूरी साजिश मंडोली जेल में बंद सुनील मान उर्फ टिलू दासपुरिया ने रची थी। टिलू ने इसके लिए दो शूटर राहुल और जगदीप उर्फ जग्गा को अपने गुर्गे उमंग के पास भेजा था। उमंग ने इन दोनों शूटर्स के अलावा एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर रोहिणी कोर्ट की रेकी की थी और विनय यादव ने रोहिणी जेल से करीब 3 किलोमीटर दूर है के अपने फ्लैट में इन आरोपियों को रुकने की जगह दी थी। यह सब काम टिल्लू के इशारे पर हुआ था। विनय और उमंग ने पुलिस को बताया कि हत्या में पुलिस को बताया कि गोगी की हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वह हथियार भी टिल्लू ने ही जेल में बैठे बैठे मुहैया करवाए थे। टिल्लू लगातार फोन और वीडियो कॉल से उनके संपर्क में था। बुधवार की दोपहर में क्राइम ब्रांच की एक टीम मंडोली जेल गई और जिस जेल में टिल्लू बंद है वहां पर जांच की गई, क्योंकि पुलिस को फोन ढूंढना था जिस फोन से टिल्लू विनय और उमंग को निर्देश दे रहा था। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम को वह मोबाइल फोन वहां से बरामद नहीं हुआ, लेकिन आज रोहिणी कोर्ट में क्राइम ब्रांच की टीम टिल्लू की प्रोटेक्शन रिमांड मांगेगी और उसके बाद पुलिस टिल्लू को विनय और उमंग के सामने बिठाकर पूरी साजिश का पता लगाएगी कि यह साजिश किन परिस्थितियों में किन कारणों से और कैसी रची गई। पुलिस का कहना है कि जेल में टिल्लू के पास फोन कैसे पहुंचा और वह फोन इस वक्त कहां है, इसकी जांच की जाएगी। साथ ही पुलिस का कहना है कि गोगी हत्याकांड के दौरान टिल्लू और किन किन लोगों के संपर्क में था और किन किन लोगों ने उसकी मदद की थी, इसको लेकर भी पूछताछ की जानी है। बहरहाल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच आज रोहिणी कोर्ट में प्रोडक्शन रिमांड मांग कर देर रात तक टिल्लू को अपनी हिरासत में ले सकती है।